मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि इस पे अमल करें, चीज़ अच्छी रखना सीखें, चीज़ों को होल्ड करना सीखें, लुटाए मत, वरना आप बेचने बैठोगे 10 खरीदार आ जाएंगे और लूट के ले जाएंगे। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर, मलियाबाद आया हुआ हूं, लखनऊ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर है। हमने आपको एक फार्म दिखाया था पहले भी वीडियो में, बदौरा स्टड फार्म, जो कि मलियाबाद में है। एक से एक नगीने छुपे हुए हैं यहां पर और फहद भाई हैं, इतने शौकीन हैं कि बस उनके शौक के आगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वही जो कहावत है ना कि शौक बड़ी चीज़ है, तो वो उन पे बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फिट होती है ये कहावत, क्योंकि उनके पास ऐसा ऐसा नुकरों का कलेक्शन है जो मेरे ख्याल से यूपी में शायद ही कहीं हो, और पंजाब की टक्कर ले रहे हैं वो। क्योंकि अब जो घोड़ा हम आपको दिखाएंगे उसका नाम बादशाह है, अब और लाइन से है, और उस घोड़े की हाइट 67 है, और ये यूपी में मलियाबाद में है। इतना बड़ा घोड़ा यूपी में, और घोड़ियाँ क्यों परेशान है भाई? अब घोड़ियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा और घोड़ियों के ओनर को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह अब मीटिंग के लिए तैयार हो गया है। पहले मीटिंग नहीं करवाते थे फहद भाई, लेकिन अब वो तैयार है। आइए जानेंगे बादशाह घोड़े के बारे में और देखेंगे उसकी खूबसूरती और जानेंगे उसके बारे में फहद भाई से कि ऐसा घोड़ा कैसे बना दिया। चलिए आइए बात करते हैं फहद भाई से। चलिए फहद भाई से मिल लेते हैं और देखते हैं भाई घोड़ा ये बादशाह। फहद भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक हैं जी भाई? सब खैरियत, आप बताएं कैसे मिजाज हैं? बस आपको देख के मज़ा आ गया एक बार फिर हमारे चैनल पर जी, और घोड़े को देख कर भी बहुत मज़ा आ गया। आपने शायद 5 महीने हो गए करीब आपको? हाँ, लगभग जी, लगभग 5 महीने बाद मैंने देखा है। घोड़े में बहुत कुछ बदलाव आ गया मेरे हिसाब से जी। अच्छा, एक बार जैसे जो नए व्यूअर्स हमारे जुड़े हैं जी, तो उनको थोड़ा सा बताएं घोड़े के बारे में, क्या हाइट है, क्या है, पूरा सब आप बताएं पहले। भाई ये माशाल्लाह अब 67 इंच है जी, और ये अबोहर लाइन का है। ठीक है, और आप बाकी इसके कट पॉइंट देख सकते हैं, सुमो का साइज देख सकते हैं जी जी, कितना बढ़िया निकल के आया है जी जी, और अब तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, आने लगे हैं जी। काली चंबी घोड़ियों पे भी ये स्पॉटलेस बच्चे दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल स्पॉटलेस बच्चे आए हैं इसके। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बच्चे पैदाइश के ऊपर बहुत अच्छी हाइट, बहुत अच्छी बॉडी के हो रहे हैं, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हाथ पैर बहुत मजबूत हैं, जो चीज़ देखी जाती है जी 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 जी। फहद भाई, अगर बादशाह की एज की बात करें तो क्या एज है बादशाह की? भाई ये पंच कर रहा है अब, शुरू पंच है, तो 5 साल आप इसकी उम्र मान सकते हैं। 5.5 साल जी। 5.5 साल में इतनी हाइट जी? 4.5-5 साल। 67 हाइट जी। सुन के अजीब लगता है कि यूपी में मलियाबाद में, लखनऊ में जी इसके बारे में क्या कहना है? ये क्यों छुपाया था आपने? हमारे वीडियो में ही दिखाया, अब दोबारा एक बार छुपाया भी था और फिर दिखाया भी आपके कहने पे, दोबारा भी आप ही के कहने पे दिखाया हूँ। ऐसी चीज छुपा के नहीं रखना चाहिए। लेकिन मुझे भाई एहसास हुआ कि दिखाना इसलिए भी अब जरूरी हो गया है जी, कि अपने यूपी में लोग शौक तो करना चाहते हैं, हाँ हाँ, लेकिन उसको सही से सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, घोड़ियां लोग खाली रखे रहते हैं, 1-1 साल तक रखे रहते हैं जी जी, कोई फायदा नहीं, दिल उब जाता है, बेच देते हैं, फ्री में बेच देते हैं। यहाँ के हम, मुझे, मैं तो ये कहूंगा कि अपने यूपी के लोग ना खरीद पा रहे हैं सही से, ना बेच पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है वैसे भाई,
बेचने में हम लोग बेच नहीं रहे हैं, हम लोग अपने जानवर लुटा रहे हैं। अगर कोई हमारे जानवर ले जा रहा है यहाँ से खरीद के, तो इसका मतलब वो आगे प्रॉफिट से बेच रहा है, ठीक है, और मोटे प्रॉफिटों से बिक रहा है। तभी आप देखो पूरा यूपी खाली हो गया है, किसी ने रखा ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप क्यों फ्री में बेच रहे हो, आप जब साल भर रखते हो, उसको खिला पिला रहे हो, सब कर रहे हो। पता नहीं यहाँ पे लोगों की दिमाग में आते ही नहीं है कि घोड़ियों को खाली रखना ही नहीं है। घोड़ियों को आप, कोई भी आदमी लाता है घोड़ी, कम से कम एक साल तो रखता ही है, 11 महीने में घोड़ी बच्चा दे देती है, तो उसको खाली रखने से क्या फायदा, आप रिजल्ट लो। लेकिन घोड़ों की कमी है यहाँ पर, अच्छे घोड़ों की कमी है। भाई मैंने अपने यूपी वालों के लिए ही तो घोड़ा रखा है, वरना ये तो कब का पंजाब या राजस्थान या महाराष्ट्र जा चुका होता, पता नहीं कितने लोग इसको मांग रहे हैं। लेकिन मैंने इसलिए रखा है कि कम से कम क्वालिटी अपने यूपी में भी शुरू हो। जब मैंने आपको बताया काली घोड़ियों पे, काली चंबी घोड़ियों पे और खाली चंबी घोड़ियों पे भी जो है, जब नुकरे बच्चे मिलेंगे तो आप सोचिए कि उनका क्या रेट होएगा। तो लोगों को ये तो यही हो गया, 50,000 की घोड़ी ना बच्चा दे दिया 5 लाख, कुछ भी दे सकती है, 5 लाख का क्या, 10 लाख का दे सकती है। तो मिनिमम मैं तो कहता हूँ 2-3 लाख का तो होएगा ही होएगा बच्चा, अगर हाथ पैर का कट पॉइंट का। आप इस टाइम अच्छा बच्चा पंजाब में खरीदने जाइए या कहीं भी आप खरीदने जाइए, आपको कम रेट में नहीं मिलेगा। मैं तो अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने जानवर आप क्यों लुटा के सब दिए दे रहे हो, क्यों बेचे डाल रहे हो भाई, रखो, देखो घोड़ा घोड़ी कैसे पाला जाए, बच्चे लो, ब्रीडिंग कराओ। ये आपकी बात बहुत, ये ऐसे लोग कमी बोलते हैं, इतने बेवाक तरीके से आप बोल रहे हो कि नॉलेज की कमी है, ये कह सकते हैं भाई नॉलेज की कमी है, हम लोग को पता ही नहीं है। गांव देहातों में लोग रखे हुए हैं जो बाहर नहीं निकलते, ट्रैवल नहीं करते, वो अपनी वो सोचते हैं, उन्होंने एक साल रखा, घोड़ी का शौक पूरा हो गया, अब बेच दो, अब दूसरी घोड़ी खरीद लो। तो मैं कहता हूँ बेचो, लेकिन इज्जत से बेचो, रेट से बेचो, लुटाओ मत। लुटाने में और इज्जत से बेचने में बहुत फर्क है। बहुत अच्छी बात कही आपने फहद भाई, ये कि आजकल लोगों को देखिए नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन जैसे जो नया पाल रहा है अब उसको नॉलेज तो नहीं है जी, तो वो नॉलेज ले कैसे, कैसे कहाँ से क्या करे। अब जैसे आपके पास घोड़ा है जी, पहले लोग नहीं जानते थे, अब लोगों को पता है तो लोग आपके पास आ रहे हैं जी, लोग आ रहे हैं। आप सोचिए शाहजहांपुर, बरेली, गाजियाबाद, सब इधर उधर से लोग इंक्वायरीज आ रही हैं, लोग घोड़ियों के लिए मुझसे बात कर रहे हैं। तो उनको भी तो कहीं ना कहीं से पता चल रहा है, उनमें भी तो कहीं ना कहीं से शौक है, लोग क्यों इतना खर्च करके ला रहे हैं। मेरे पास जब पहले घोड़ियां थी, मेरे पास घोड़ा नहीं था अपना, तो मैंने खुद अपनी घोड़ियां पंजाब भेजी हैं। तो आप अभी भी कुछ घोड़ियां भेजते जी, जो काली है या मारवाड़ी है वो मैं अभी भी पंजाब भेजता हूं। कितना खर्चा आ जाता है बाहर भेजने में, थोड़ा तो लोगों को ये भी बताइए। कम से कम 1-1.5 लाख आता है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, आप कोई भी पिकअप में ही भेजोगे आप कम से कम 30-35 हज़ार रुपए वन साइड का खर्चा आएगा भेजने का, फिर जाएगी, फिर वापस आप दूसरी गाड़ी से मंगाओगे 30-40 हज़ार रुपए वो चला जाएगा, प्लस फिर कवरिंग फीस, तो बहुत महंगा पड़ता है। और यहाँ पर यूपी में आपके यहाँ ये खड़ा है, लेकिन लोग फिर भी अब नुकरों के लिए, तो अब आप सोचिए मेरे पास नुकरी घोड़ी है, मेरी इससे गाभिन है, और भी मेरे बहुत से मिलने वाले हैं जिनकी घोड़ी आप गाभिन है, 3-3, 4-4 महीने की प्रेग्नेंट है, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, स्पॉटलेस रिजल्ट्स है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो वो भी अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। और भी इनके जो जैसे फहद भाई के पास अभी और भी घोड़ा घोड़ी है, अगले वीडियो में जरूर सब पूरा फार्म दिखाएंगे, ये पहला वीडियो है। तो फहद भाई जैसे आपने कहा कि इस जैसे लोग नहीं करा रहे हैं, और अगर 50,000 की घोड़ी अगर 2.5-3 लाख का बच्चा देगी तो इससे अच्छा तो बिजनेस ही नहीं है कोई भाई। ये लेकिन लोगों के दिमाग में सोच में आना चाहिए। जहाँ आदमी की सोच में ये है कि 50,000 की खरीदी उसने, 60,000 की बिक रही है तो उसको प्रॉफिट हो गया, ये सोच बदलना पड़ेगी ठीक। और बहुत सी चीजें मुझको पंजाब ने सिखाई है। अच्छा, वो उनको बेचना आता है चीज, अगर अच्छी चीज है तो वो अपना मुंह मांगा पैसा मांगते हैं, और हम लोग दे के आते हैं, चाहे कोई भी हो, हम लोग वहाँ दे के आते हैं। तो वही चीज हम लोग को यूपी में भी शुरू करना है, ऐसी चीजें तैयार करिए कि आप लोग अपना मुंह मांगा पैसा मांगिए, चीजें लुटाइए मत। फहद भाई का आज थोड़ा सा बेबाक अंदाज है आज। अरे नहीं भाई, नहीं, मुझे अफसोस होता है भाई, मुझे अफसोस होता है कि यहाँ आदमी को पालने का शौक है और जरिए हैं, जगह है, लेकिन सिर्फ कुछ कमी की और नॉलेज की कमी के चक्कर में हम लोगों ने पूरा यूपी खाली कर दिया। अब आप देख ले पूरे यूपी में आपको गिनती की घोड़ियां मिलेंगी, सब लॉकडाउन से लेकर अब तक सब पूरा यूपी खाली हो गया है,
और सब घोड़ियां गई हैं, चाहे जिस भी स्टेट में गई हो, सब ब्रीडिंग के लिए गई हैं, सब बच्चा देंगे, वही जो लोगों ने घोड़ियां अपनी फ्री में बेची हैं उन्हीं के बच्चे और लाखों रुपए में लोग खुद खरीद के लाए। सही कह रहे हैं। तो क्या फायदा इसका, मतलब आप अपनी चीज सस्ती बेच रहे हो, उसी का प्रोडक्ट आप महंगा लेके आओगे, तो खुद ही अपना प्रोडक्ट तैयार करो। तो बादशाह के बारे में और कुछ बताइए, जैसे क्या इसके मेन पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो भाई, इसका आप जैसे देख सकते हैं इसके सुमो की क्वालिटी, इतने बड़े सुम के घोड़े आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। हाइट तो आप देख ही सकते हैं, मेरी भी ठीक ठाक हाइट है, उसके बाद मैं इसके आगे छोटा लगने लगता हूँ। इस पार से आप नहीं दिखोगे जी, मैं उधर तो नहीं दिखूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि नहीं दिख रहे हो आप। कट पॉइंट देखिए, बारीकी देखिए, हाथ पैरों की मजबूती देखिए आप इसकी, कि कहीं से भी जो है इसमें, और शरीफ भी है ये घोड़ा जी, बहुत सीधा है, टेम्परामेंट का बहुत साउंड है। तो ये आपको इसकी क्या कहानी थी भाई, कहाँ से ये लग गया हाथ आपके? भाई ये जगरावा में आया था आज से 3 साल पहले, और मेरे पास वहां से फोन आया, एक बच्चा आया हुआ है बहुत ही अच्छा, हाथ पैर का बहुत मजबूत। तो आप यकीन मानिए, मैंने तो फोटो पे ले लिया इसको, फोटो पे ले लिया। जब मेरे पास आया तब मैंने इसको देखा कि अरे मैंने तो बहुत बढ़िया चीज ले ली। अच्छा। और जैसे यूपी वाले, हम लोग की मेंटालिटी होती है कि भाई चीज आई, प्रॉफिट मिलता है, हम लोग फौरन बेच लेते हैं। मेरे पास भी ऑफर्स आए, तो हमारे एक भाई हैं अजय वर्मा भाई बाराबंकी के, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कोई भी ऑफर आए इसको आप ना बेचिए, क्योंकि मेरी भी नॉर्मल वही मेंटालिटी थी, भाई आओ प्रॉफिट मिले बेचो। उन्होंने कहा कि चीज को होल्ड करना सीखे, चीज को पालना सीखे, और उस दिन से आज तक मेरे ख्याल से मैंने कोई जानवर बेचा ही नहीं है शायद। और एक से एक आपके एक पास एक है, छुपा के रखे हैं वैसे आपने। और ये भी नहीं है किसी चीज का अच्छा ऑफर मिले कि आपको लगे कि हाँ आदमी जो है जेन्युइन चीज दे रहा है, तो आदमी को रोकना भी नहीं चाहिए भाई, जब तक आप रोटेशन नहीं बनाओगे आप नई चीजें कैसे लाओगे अपने। सही कह रहे। लेकिन मुझे इसको हटाने का कोई इरादा नहीं है। इसको ऑफर का क्या, ऑफर खूब आ रहे होंगे? ऑफर्स तो खूब आ रहे हैं भाई, ऐसी ऐसी जगह से ऑफर्स आ रहे हैं कि आप भी नाम जानते होगे, आप तो पूरा हिंदुस्तान घूमे हुए हो। लेकिन बस सबसे मैं माफी मांग लेता हूँ कि भाई कुछ अपने यूपी में अच्छी चीज रहने दीजिए। यूपी वालों के लिए बहुत सोच रहे हो आप। ये तो आपका, ये मेरे ख्याल से रिहायशी, ये पुराना सब है जी भाई, ये पुराना है यहाँ पे, और फार्म पीछे है, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बस यहीं खड़ा कर लीजिए, बस यहीं रोकिए। तो फहद भाई, अभी कितने रिजल्ट आ गए हैं इसके? भाई इसके करीब 4-5 रिजल्ट आ चुके हैं। आ चुके हैं जी। तो आपके पास आया अभी कोई रिजल्ट? हाँ भाई, एक मेरे पास में ही है, मेरे दोस्त हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, अजय वर्मा भाई, उनके वहाँ काली चंबी पे नुकरा बच्चा आया है। काली चंबी पे आ गया जी, काली चंबी पे स्पॉटलेस आया है। एक अबलग घोड़ी पे आया है, और एक और हमारे दोस्त हैं उनके वहाँ भी नुकरा बच्चा आया है। अच्छा जी। तो आपने अगर जैसे, जो पहले तो आपने फीस का मना कर दिया था जी, तो आप कुछ क्या स्टार्ट कर दिया है सब? भाई कवरिंग मैंने इसकी स्टार्ट करवा दी है, कवरिंग स्टार्ट कर दी है जी, और भाई देखते हैं कैसी घोड़ी आती है क्या है, उस हिसाब से मैं देख लूंगा। और मैं चाहता हूँ ब्रीड बढ़े। अच्छा, फीस का ऐसा फीस कुछ नहीं का है? भाई कुछ नहीं है ऐसा, ब्रीड बढ़ना चाहिए, शौक बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट्स यूपी में अच्छे होना चाहिए, कि जैसे हम लोग जाते हैं बाहर से ढूंढ ढूंढ के बच्चे लाते हैं, लोग फिर यूपी में बच्चे ढूंढ ढूंढ के ले जाएं। बहुत बड़ी बात कही आपने ये, और जो है लोगों को फिर शौक रहेगा, घोड़ी होल्ड करने का शौक रहेगा, वो 5-10 हजार के चक्कर में नहीं रहेंगे, तो तब मजा आएगा रखने में। तो फहद भाई, फीस का भी कुछ नहीं है? नहीं भाई, फीस का कुछ नहीं है, मगर ऐसे घोड़ों की फीस तो पंजाब में अच्छी खासी है भाई, आपको तो पता ही है। हाँ, जब भी तो मैं कह रहा हूँ, मेरे मुँह से क्यों कहलवा रहे हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन आपका ये सोच है, जो हम इसको जैसे अपने व्यूवर से भी कहना चाहेंगे कि लोग कम सोचते हैं ऐसा, कि आप ये सोच रहे हो कि यूपी में एक ब्रीड को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए और अच्छे घोड़े हर घर हर गाँव में ज्यादातर पलें जी। तो अभी आपने जैसे ब्रीडिंग का आप बता रहे, कितना टाइम हो गया अभी करते हुए? भाई 1 साल के करीब। अच्छा। हाँ, पहले तो आ गया। हाँ, तो 1 साल तो नहीं, वैसे जो थोड़ा सा पेड़ वाला जो था भाई, ये तो समझिए अभी 2-3 महीने से बस जी। तो आप देख सकते हैं ये बादशाह घोड़ा है, अबोर लाइन से है, इसके फादर जो बाप की साइड से क्या है इसका, ये बादल, ये बादल का बच्चा है, और आप देख सकते हैं हाइट जो है इसकी 67 है, और जो आप कह सकते हैं कि एक जो बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है,
वो सारी चीजें हैं बादशाह में। आपने फाद भाई बताया कि जैसे चंबी पे रिजल्ट आ रहा है, जैसा कि व्यूवर्स ने देखा कि चंबी पे इतना शानदार बच्चा आया, तो अगर आपने आगे का कैसा आपको लगता है कि और कैसे रिजल्ट आने वाले हैं भाई? जैसे कि ज्यादातर सारे रिजल्ट्स इसके इसी पे जा रहे हैं, बादशाह पे जा रहे हैं, तो आप सोचिए जब आगे चल के इसके बच्चे तैयार होंगे तो क्या हाइट पकड़ेंगे और क्या होएगा। तो यूपी में आप चाह रहे होगे 70 इंच का भी कोई आ जाए, सब जो है फिर बड़े बड़े टहल होंगे, 60-61 तो सब भूल ही जाएंगे फिर। नहीं नहीं सही बात है, यूपी में शौक बढ़ावा देने के लिए बदौरा स्टड फार्म के जो ऑनर हैं फहद भाई और मोनी भाई के नाम से मशहूर है। और ये मेरा एक डायलॉग था कि पहले आम मलियाबाद के मशहूर थे, अब फार्म मशहूर है। तो फहद भाई बड़ा अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद यही करते हैं कि लोगों को आपका अच्छा मैसेज पहुंचेगा और लोग इस पे ध्यान देंगे और बादशाह की ब्रीड को थोड़ा आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाएंगे जब समझ में आएगा। देखिए धीरे 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 आदमी सीखता है। हाँ धीरे धीरे मुझे को सीखने में इतना टाइम लग गया भाई। सही सही बात है। तो मैं अपने भाइयों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो एक दिन में सीख जाएंगे, लेकिन वो है ना देर आए दुरुस्त आए। चलिए फहद भाई बड़ा अच्छा लगा बात करके, अगले वीडियो में अब और घोड़ा घोड़ी है वो भी दिखा देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं व्यूअर्स, अगले वीडियो में आप देखिए, अगले वीडियो में फहद भाई के और भी जो खूबसूरत घोड़ा घोड़ी हैं वो सारे हम दिखाएंगे। तो अभी फहद भाई बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही करते हैं कि लोगों को आपका मैसेज पहुंचेगा। और आज आपने जो बातें करी, खाली मैसेज नहीं, मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि इस पे अमल करें, चीज़ अच्छी रखना सीखें, चीज़ों को होल्ड करना सीखें, लुटाएं मत, वरना आप बेचने बैठोगे 10 खरीदार आ जाएंगे और लूट के ले जाएंगे। चलिए फहद भाई बड़ा अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद यही करते हैं कि लोग अमल करेंगे अब आपकी बात पे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।